आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट चलते सितारों के बीच भी मच गई है इडियट बनने की होड़। अब हर स्टार देख रहा है इडियट बनने के सपने। आजकल इडियट जैसे यू नो इट्स नो लॉन्गर एन अब्यूज, वो प्यार से कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा विद्या, इडियट तो प्यार से ही कहते हैं, तभी तो बॉलीवुड का आम या खास हर कोई खुद को इडियट कहलवाने पर तुला है। आई एम द बिगेस्ट इडियट, आई एम द बिगेस्ट इडियट। अरे भाई, आप कैसे सबसे बड़े इडियट हो सकते हैं? सबसे बड़े इडियट तो आमिर खान हैं। थ्री इडियट्स के प्रीमियर पर पहुंचा बॉलीवुड का हर शख्स आमिर का दोस्त बनकर एक दूसरे को खुद से बड़ा इडियट साबित करना चाहता है। आई थिंक मैं हूँ, आई लाइक टू पिक माई सेल्फ। मैं आई थिंक ही स्टार्टेड द ट्रेंड, सो आई वुड लाइक टू पिक माई सेल्फ। क्यों नहीं, आप तो इडियट के सबसे बड़े जोड़ीदार ठहरे। लेकिन इनकी सुनिए, ये तो इडियट शब्द सुनकर इतना खफा हो गए कि सवाल पूछने वाले को ही इडियट साबित करना चाहते हैं। इनसे टाइप कर रहे हैं तो फिर ये फाइल आपको ही नहीं आया इस वक्त। मैं तो बोल रहा हूँ ना, जब आप नहीं समझे तो फिर आप ही हुए, जब आप नहीं समझे तो फिर आप ही हुए। अरे आप खफा मत होइए जावेद साहब, आपने सुना नहीं विद्या ने क्या कहा? इडियट जैसे यू नो इट्स नो लॉन्गर एन अब्यूज, वो प्यार से कहते हैं, प्यार से कहते हैं। बहरहाल प्यार से कहा या गुस्से से, लेकिन फिल्म देखने के बाद सभी खुद को कम से कम एक बार इडियट जरूर कहना चाहेंगे। धीरज जुनेजा के साथ रश्मा शेट्टी, मुंबई, आज तक।